हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम एमएस ऑप्थल्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि एमएस ऑप्थल, यदि आपको ऑप्थल्मोलॉजी लेनी है तो इन दैट केस ऑल इंडिया कोटे में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे सो दैट यू कैन गेट गवर्नमेंट सीट्स थ्रू ऑल इंडिया 50% सीट्स। इन केस आपको ऑल इंडिया 50% सीट्स में के थ्रू गवर्नमेंट सीट अगर नहीं मिलती है देन यू विल बी ऑप्शन ऑफ डीएनबी। सो डीएनबी ऑप्थल के भी बारे में बात करेंगे कि कितनी रैंक और कितनी मार्क्स हमें लानी होगी। अगर आपके पास डिप्लोमा का ऑप्शन रहता है तो फिर डीओ, जो डिप्लोमा इन ऑप्थमोलॉजी होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि मिनिमम मार्क्स एंड रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स क्या रिक्वायरमेंट, मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायरमेंट होती है टू गेट डीओ। एंड अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस या डीएनबी नहीं मिलती है और हम डिप्लोमा के लिए नहीं जाना चाहते हैं, वी कैन गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट है एक तो, जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, उनकी फी स्ट्रक्चर कितनी है, और उस फी स्ट्रक्चर में हमें किस रैंक पे कौन से स्टेट में मिल सकती है ऑप्थल, या फिर कितने मार्क्स हमें लाने होंगे, ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 29-30,000 रैंक तक आपको मिल सकती है, दैट इज 455-460 मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 33-34,000 रैंक आपको लानी होगी, दैट इज 440-445 मार्क्स जो है वो होने चाहिए मिनिमम। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 28,000-29,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 455-460 मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए, उससे ज्यादा होने पर आपके चांसेस और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 55,000-56,000 तक जनरली मिलती है, सो 380-385 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 82,000-83,000 रैंक तक मिलती है, सो 320-325 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। नाउ डीएनबी की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 36-37,000 रैंक तक आपको मिल सकती है, दैट इज 430-435 मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो डीएनबी ऑप्थल 27-28,000 रैंक तक मिलती है, दैट इज 460-465 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 30-31,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 400-455 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 40-41,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 400-425 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 1,15,000 1,16,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 260-265 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। इन केस आपको ऑल इंडिया कोटा और डीएनबी नहीं मिलती है एंड यू हैव अ ऑप्शन ऑफ डिप्लोमा, तो आप डिप्लोमा भी ले सकते हो। नाउ डिप्लोमा की कुछ एक दो बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिप्लोमा इज अ 2 ईयर कोर्स। वंस यू डन विद द डिप्लोमा, ये 2 साल की कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो, आफ्टर दैट आप सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हो टू बिकम इक्विवेलेंट ऑफ डीएनबी और एमडीएमएस। तो उससे पहले आपको पीडीसीटी की एग्जाम देनी होगी, दैट इज 2 ईयर की डिप्लोमा करने के बाद आप पीडीसीटी की एग्जाम देते हो, क्वालिफाई करते हो, फिर उसकी काउंसलिंग अटेंड करते हो, फिर जिस भी कॉलेज में आपको मिलती है उस कॉलेज से आप 2 साल की सेकेंडरी डीएनबी करते हो एंड देन यू विल बिकम इक्विवेलेंट टू डीएनबी। आफ्टर दैट डीएनबी और पोस्ट पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं, सो ऑल द मेजर सर्जरीज भी उसके बाद आप कर सकते हो। ना उससे पहले अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करते हो तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जहाँ तक सर्जरीज की बात है, आप माइनर सर्जरीज कर सकते हो बट यू कांट गो फॉर मेजर मेजर सर्जरीज। तो ये बस इतनी सी लिमिटेशन जो है वो रहती है, बट ठीक है। अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो एनबी डिप्लोमा आपको 67-68,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 345-350 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 94-95,000 रैंक मिनिमम आने चाहिए, दैट इज 295-300 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 70-71,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 345-350 मार्क्स होने चाहिए। एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 97-98,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 290-295 मार्क्स आपके जो है वो मिनिमम होने चाहिए। एंड एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 1,75,000 1,76,000 रैंक तक भी आपको मिल सकती है, दैट इज 155-160 मार्क्स होने पर भी देयर आर चांसेस। नाउ अगर आप डिप्लोमा नहीं लेना चाहते हो एंड यू आप प्राइवेट के लिए जाना चाहते हो क्योंकि आप एमएस ही लेना चाहते हो, इन दैट केस हमारे पास 2 तरीके के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, 2 तरीके के सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि एमसीसी के अंडर आती है और दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस जो कि स्टेट
काउंसलिंग के अंदर आती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की पहले बात करें तो किसी भी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में एक नॉर्मल सीट होती है मैनेजमेंट की सीट, और एक होती है एनआरआई की सीट। तो जो मैनेजमेंट की सीट होती है वो आपको ऑलमोस्ट 1,16,000 1,17,000 तक मिल जाएगी डीम्ड की, दैट इज 255 to 260 मार्क्स मिनिमम उसके लिए होने चाहिए। और उसकी जो फीस है वो वेरी करती है 19 लाख पर एनएम से 35 लाख पर एनएम तक। सिमिलरली उन्हीं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो एनआरआई कोटे की सीट है वो 1,50,000 1,51,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 200 to 205 मार्क्स होते हैं तो भी आपको ऑप्टल मिल सकती है, बट उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, 40 लाख पर एनएम टू 78 लाख पर एनएम वेरी करती है अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीस। हाँ, ये तो हुई डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात। अब आ जाते हैं ओपन स्टेट्स, कौन कौन से ओपन स्टेट्स हैं और उन ओपन स्टेट्स की फीस स्ट्रक्चर कितनी है, और उसमें हमें कहाँ पे किस रैंक पे कौन से स्टेट में मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं जहाँ की फीस 9,50,000 पर एनएम है। मैंने आपको आपसे कहा कि कोई भी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में दो तरीके की सीट होती है, एक मैनेजमेंट होती है और एक एनआरआई होती है। तो इनमें भी मैनेजमेंट और एनआरआई आएगी। सो आंध्र प्रदेश में जो मैनेजमेंट सीट है उसको कैट बी सीट कहते हैं, जिसकी फीस 9,50,000 पर एनएम है। 58-59,000 रैंक तक ऑप्टल मिल जाती है, 375-380 मार्क्स लाने पे आपको आपके पास चांसेस रहेंगे कि आपको मिल जाएगी। बट आंध्र प्रदेश में ही जो एनआरआई कोटे की सीट है उसकी फीस 57.50 लाख पर एनएम है, जो 99,000 1 लाख रैंक तक मिल जाती है। सो 285-290 मार्क्स लाने पे आपको वहाँ की एनआरआई कोटे की सीट मिल सकती है। बिहार में मैनेजमेंट कोटे सीट की बात करें तो 15 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है, 54-55,000 रैंक तक ऑप्थल मिल जाती है। बिहार की ऑप्थल काफी अच्छी भी है, 385-390 मार्क्स रहने पे देयर आर चांसेस कि आपको बिहार में मैनेजमेंट कोटा सीट मिल जाएगी। बट वहीं पे एनआरआई कोटे की भी सीट है जिसकी फीस 24 लाख पर एनएम है, 1,11,000 1,12,000 रैंक तक ऑप्थल मिल जाती है, 270 मार्क्स रहने पे भी आपको बिहार के एनआरआई कोटे की सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के मैनेजमेंट कोटे की सीट की बात करें तो 9,31,000 की फीस स्ट्रक्चर है, जो 75-76,000 रैंक तक मिल जाती है, 335-345 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए छत्तीसगढ़ में ऑप्थल लेने के लिए। हरियाणा की बात करें तो मैनेजमेंट कोटे की सीट की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 14 लाख to 22 लाख पर एनएम वेरी करती है, 79,000-80,000 रैंक तक एमएस ऑप्थल मिल जाती है, 325-330 मार्क्स लाने पे हरियाणा में हमें मैनेजमेंट कोटे की सीट मिल सकती है। नाउ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 27 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट कोटे सीट की, जिसकी जिस पर 87,000-88,000 रैंक तक एमएस ऑप्थल मिल जाती है, 310-315 मार्क्स लाने पर हमें वहाँ की एमएस ऑप्थल मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में ही एनआरआई कोटे की सीट है जिसकी जो 1,42,000 1,43,000 रैंक तक मिल जाती है, 215-220 मार्क्स होने पे भी हमें हिमाचल प्रदेश की एनआरआई कोटे की सीट मिल सकती है। कर्नाटका की बात करें तो तीन तरीके की सीट है, ओपन सीट है, क्यू कोटा की सीट है, एनआरआई की सीट है। ना ओपन सीट्स की बात करें तो ओपन सीट्स में भी कुछ सस्ते कॉलेज है कुछ महंगे कॉलेजेस हैं। जो सस्ते कॉलेजेस हैं उनकी फीस 12 लाख पर एनएम है, वहाँ पे एमएस ऑप्थल 45-46,000 रैंक तक मिल जाती है, दैट इज 410-415 मार्क्स पे आप मिनिमम आपके होने चाहिए। जो थोड़े से महंगे कॉलेज हैं उनकी फीस अप टू 35 लाख पर एनएम है, बट 1,14,000 1,15,000 तक वहाँ पे एमएस ऑप्थल मिल जाती है। सो 260-265 मार्क्स होने पर भी आपको मिल सकती है। उन्हीं कॉलेजेस में क्यू कोटा की सीट है जिसकी फीस ज़्यादा है, 40 लाख पर एनएम से 65 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है, बट 1,39,000 1,40,000 रैंक तक एमएस ऑप्थल मिल जाती है, 220-225 220-225 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। उन्हीं कॉलेजेस में एनआरआई कोटे की सीट है जिसकी फीस अगेन 40 लाख पर एनएम से 75 लाख पर एनएम तक वेरी करती है, 1,52,000 1,53,000 रैंक तक एमएस ऑप्थल मिल जाती है, 200-205 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। एमपी मैनेजमेंट कोटे की सीट की बात करें तो 17 लाख की फीस स्ट्रक्चर है, 93,000-94,000 रैंक तक एमएस ऑप्थल मिल जाती है, सो 300-305 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एमपी में ही एनआरआई कोटे की सीट है उनकी फीस स्ट्रक्चर 55 लाख पर एनएम है, 1,49,000 1,50,000 रैंक तक एमएस ऑप्थल मिल जाती है, 205-210 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। राजस्थान में ऑल इंडिया कोटे की सीट है जिसकी फीस 30 लाख पर एनएम से 45 लाख पर एनएम तक वेरी करती है, 97,000 से 98,000 रैंक तक जनरली मिल जाती है, 295-300 मार्क्स होने पर आपको मिल सकती है। राजस्थान में ही मैनेजमेंट कोटे की सीट है जिसकी फीस 56 लाख पर एनएम है, 91,000 to 92,000 रैंक तक
जनरली मिल जाती है। सो 300-305 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। पॉन्डिचेरी की बात करें तो 22.7 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 1,03,000, 1,04,000 रैंक तक एमएस ऑप्थल मिल जाती है। 280-285 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तमिलनाडु की बात करें तो मैनेजमेंट कोटे सीट की फीस 15.50 लाख पर एनम है। 82,000-83,000 रैंक तक एमएस ऑप्थल मिल जाती है। 320-325 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तमिलनाडु में ही एनआरआई कोटे की सीट है जिसकी फीस स्ट्रक्चर 26 लाख पर एनम है। 1,34,000, 1,35,000 रैंक तक एमएस ऑप्थल मिल जाती है। 230-235 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तेलंगाना में बात करें तो मैनेजमेंट कोटे सीट की फीस स्ट्रक्चर 24 लाख पर एनम है, बट 72,000-73,000 रैंक तक मिल जाती है एमएस ऑप्थल। 340-345 जो है वो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तेलंगाना में ही एनआरआई कोटे की सीट है जिसकी फीस स्ट्रक्चर 72 लाख पर एनम है। 1,46,000, 1,47,000 रैंक तक एमएस ऑप्थल मिल जाती है। 210-215 मार्क्स होने पे भी तेलंगाना में एनआरआई कोटे की सीट मिल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो 26 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 1,04,000, 1,05,000 रैंक तक उत्तराखंड में एमएस ऑप्थल मिल जाती है। 280-285 मार्क्स जो है वो आपके मिनिमम होने चाहिए। यूपी में 21 लाख से 35 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर वेरी करती है। 97-98,000 रैंक तक यूपी में एमएस ऑप्थल मिल जाती है। 290-295 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। वेस्ट बंगाल की फीस 27 लाख पर एनम है। 85,000 से 86,000 रैंक तक वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट कोटे की सीट मिल जाती है। 315-320 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो ये हमने बात की ऑल इंडिया कोटे की, डीएनबी की, एनबी डिप्लोमा की, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, और जितने भी ओपन स्टेट जहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनमें एमएस ऑप्थल है, उनकी फीस स्ट्रक्चर कितनी है और कहाँ कहाँ पे कितने मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे, कितनी रैंक आपको मिनिमम लानी होगी। तो ये हमने बात की। इससे पहले जो है वो हमने रेडियो मेडिसिन और OBGY, एनेस्थीशिया, साइकेट्री, इन ब्रांचेस को ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आप इस ब्रांचेस के बारे में देखना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। और कोई डाउट हो क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। वीडियो को आप सेव कर लो क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके बाद भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कोई भी अपडेट जो होगी वो हम आपसे रेगुलर इस वीडियोस के थ्रू शेयर करते रहेंगे। एट द सेम टाइम जो काउंसलिंग फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप फिल कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेरी। अगर आप फ्री काउंसलिंग भी लेना चाहते हो तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एट द सेम टाइम काउंसलिंग की बाकी एडवाइसेस जो है वो फॉर्म को फिलअप करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।